दोस्तों ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, और यहाँ पर हम आपको आज दिखाएंगे सन ट्रैकर, जो सोलर पैनल्स को सन के हिसाब से ट्रैक करता है और जिस डायरेक्शन में सन जाता है, जो सूरज जाता है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में सोलर पैनल को घुमा देता है। बहुत सारे लोग सोलर पैनल लगा लेते हैं, लेकिन जब उनकी जो दिशा होती है वो एक ही तरफ रहती है, जब सूरज घूमता है तो उनमें जो पूरी एनर्जी है वो नहीं मिल पाती है। तो ये सन ट्रैकर क्या काम करेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम कंपनी के प्रतिनिधि से लेने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाँ जी, धन्यवाद जी। मैं सबसे बारे में अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम रमित नागपाल है जी। हम एंटाई सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हैं, जिसका हमारा हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में अब फ्यूचर है इंडिया का जी। इसके लिए हम बताना चाहेंगे आपको जी। इसमें क्या रहता है, आपका आज की डेट में आपने देखा होगा कहीं भी गाँव क्षेत्र किसी भी एरिया में जो भी सोलर पैनल लगते हैं वो हमेशा फिक्स स्ट्रक्चर में लगते थे। हाँ जी। उससे क्या होता था, लोगों को ज़्यादा पैनल लगाने पड़ते थे और जो जितनी उसके एनर्जी की उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल पाती जी। अब उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है। विदेशों में तो ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से ही है, लेकिन इंडिया में अब ये नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसके लगाने से ये पूरा सन को फॉलो करेगा और उससे आपका 15-16% का एनर्जी गेन बढ़ जाता है। अच्छा सर, ये और बताएं, ये अभी लॉन्च हो रहा है या मार्केट में? नहीं, ये ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में, ये ऑलरेडी अवेलेबल है पिछले 3-4 सालों से, लेकिन लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम इसको डेमो पे लगा रहे हैं सो दैट लोगों को इसकी जागरूकता बढ़े। सन ट्रैकर किस मतलब किस तरह से काम करेगा ये? जैसे आपका ईस्ट में सन होता है, ईस्ट में सबसे पहले क्या होता है, ये एक इसमें सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा ये कंट्रोल बॉक्स बोला जाता है इसको जी। इसके अंदर एक हम सॉफ्टवेयर से साइड कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। साइड कोऑर्डिनेट डालने के बाद ये ऑटोमेटिक जैसे भी सनराइज होता है सुबह 6:30-7 बजे ये उसको फॉलो करना स्टार्ट करता है और सन की जो डायरेक्शन होती है उसको ट्रैक करता है और इवनिंग तक जिस दिशा में सन जा रहा है और सनसेट होता है वहाँ तक उसको पूरा फॉलो करेगा जी। अच्छा, मैं अपने व्यूअर से बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से जब सुबह को सूरज निकलता है और उस समय ये पैनल्स की दिशा उसी तरफ रखता है, लेकिन जैसे जैसे जो सूरज है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ पहुँचता है तो ये पैनल्स को घुमा घुमा कर पश्चिम की तरह कर देता है, मतलब पूरी तरह से जो सन है उसको फॉलो करता है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये मूविंग है इस समय, ये हमारा मोटर होता है। हाँ जी, ये मोटर होता है, यही इसका सबसे बड़ा रोल होता है जी, जो उसको पूरा ड्राइव करता है। अब ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से मूव कर रहा है जी, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब वहाँ पे ऊपर जाएगा तो इसकी जो रेंज होती है ट्रैक 60 डिग्री तक नीचे चला जाएगा और 60 डिग्री इधर रहता है दोनों साइड। 60 डिग्री हो जाएगा सर? हाँ, 60 डिग्री पूरा टिल्ट हो जाएगा वहाँ। तो इससे क्या रहेगा, सन अगर नीचे भी जाएगा तो आपका जैसे सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर शाम के 5 बजे तक इसका पूरा एनर्जी गेन रहता है 100%। तो सर जैसे हम बात करेंगे, मतलब नीचे हो फिर तो 60 डिग्री से एंगल तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना सर? हाँ, बहुत बड़ा बन जाता है। 60 डिग्री से ज्यादा मेरे हिसाब से 180 से भी ऊपर बन जाएगा। नहीं, 120 रहेगा, 60 डिग्री इधर 60 डिग्री। अच्छा अच्छा, दोनों तरफ 60 दोनों तरफ। और ये क्या रहता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट रहता है, ये रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं होता कि आपने खरीदा और लगा दिया जी। ये क्या रहता है, आपकी जो साइट कंडीशन है उसके हिसाब से आपकी कितनी हाइट है, कितनी फाउंडेशन डेप्थ आपको चाहिए, आपकी मिट्टी की क्वालिटी क्या है, सॉइल की क्वालिटी क्या है, उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। और इसकी जो थिकनेस है, जो स्ट्रक्चर है, ये स्टील जो लगा हुआ है, ये भी डिसाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपके साइड के, और वहाँ पे किस तरह की विंड स्पीड है। जैसे राजस्थान में आप लगाएंगे तो वहाँ पे विंड स्पीड ज्यादा होती है, तो वहाँ पे आपका थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अच्छा, हवा की गति के हिसाब से? उसके हिसाब से रहता है। अगर आपका जो हवा की गति है वो कम है आपकी गुजरात में, तो उसका विंड स्पीड उसके हिसाब से, तो प्राइस भी उसी के हिसाब से मैटर करता है। अच्छा, तो आप ये पूरा स्ट्रक्चर बेचते हैं या ये सोलर पैनल? नहीं, सोलर पैनल नहीं रहता, ये पूरा टेक्नोलॉजी रहता है हमारा। अच्छा अच्छा, ये पोस्ट रहता है, इसको पोस्ट बोलते हैं जी, जिसको हम बोलते हैं, इसको टॉक ट्यूब बोला जाता है, ये परलेंस होता है जिसके ऊपर मॉड्यूल लगते हैं, ये मोटर होता है, ये कंट्रोल बॉक्स होता है जी, और ये डैम्पर्स रहता है, आप इसको देख सकते हैं, ये डैम्पर एक तरह से शॉकर की तरह होता है जी। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं कभी आप सीट बेल्ट खींचते हैं तो लॉक हो जाता है राइट, ये जैसे अगर कभी कभी क्या होता है, तूफान आ गया, आंधी आ गई, तो ये लॉक कर देगा, तो इससे करेगा आपका जो सोलर पैनल है। अच्छा, ये पहचान लेगा कि तूफान आ रहा है, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली, और विंड सेंसर भी लगाया जाएगा इसमें। हाँ जी, ये उसकी विंड की दिशा के मतलब अगर हवा की गति बढ़ती रहेगी तो पहचान लेगा कि आंधी आने वाली है, इसको लॉक कर देगा सो दैट आपका ये ट्रैकर जो है सेफ जोन में चला। कीमत क्या रखी है आप लोगों ने? इसकी कीमत जो रहती है 53-54 लाख रुपए पर मेगावाट पीक रहती है जी। मतलब 1 मेगावाट के हिसाब से होती है। 53-54 लाख रुपए पर मेगावाट। खरीदा कैसे जा सकता है और ये कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है? जो बड़े प्लांट है उन्हीं में यूज होगा सर? ये बड़े प्लांट में रहता है, जो खेतों में आप लगा सकते हैं, रूफ टॉप में नहीं यूज होता, हमेशा ग्राउंड पे ही यूज होता है। अच्छा अच्छा, सर खरीदा कैसे जा सकता है, कोई वेबसाइट वगैरह आपकी हो? उसके लिए आप हमारे कंपनी का ब्रोशर ले सकते हैं, हमारा वहाँ पे बिजनेस कार्ड है, वहाँ पे ले सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जी जी, और आप हमें डिटेल शेयर करेंगे, डेफिनेटली हम आपको रीच आउट करेंगे जी जी। ये हमारा कंपनी का ब्रोशर है, आप इसको देख सकते हैं जी, इसमें हमारा सारा टेक्निकल डिटेल्स है, प्रोडक्ट का डिटेल्स है जी, इसमें आपको सारी डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी आपको जी जी। वेबसाइट कहाँ पर है सर इसमें? इसमें वेबसाइट हमारा यहाँ पर, हमारा इंडिया में न्यू दिल्ली में ऑफिस है हमारा जी जी,
ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी, आपको बहुत थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने देखा सन ट्रैकर है और इसी तरह की वीडियो हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।